Hello friends, welcome to our YouTube channel Advanced Agriculture. Education leads to advancement. Only YouTube channel with enhanced knowledge of classroom teaching and practical knowledge. Hello friends, welcome to our new video lecture, Entrepreneurship Development and Business Communication by Deepak Nagar. आज का अपना टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सफल उद्यमी की अपनी कुछ विशेषताएं होती है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण कोई एंटरप्रेन्योर कुछ नया और अच्छा करके लोगों की मदद कर पाता है। भारत में करोड़पति बनने के लिए उनमें से एक बेहतरीन तरीका है एंटरप्रेन्योरशिप अर्थात उद्यमिता। तो आज अपन इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, करैक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट है एबिलिटी टू टेक रिस्क अर्थात रिस्क लेने की क्षमता। कोई भी एंटरप्रेन्योर जब किसी नए आइडिया पर कार्य करना शुरू करता है तो उसके सक्सेसफुल होने के चांस इस बात पर निर्भर करते हैं कि लोग उसके द्वारा दिए गए प्रोडक्ट्स या सर्विस को पसंद करेंगे या नहीं। नए आइडिया को लेकर कोई भी एंटरप्रेन्योर पहले से श्योर नहीं हो सकता, इसलिए रिस्क बहुत बढ़ जाता है। साथ ही एंटरप्रेन्योर में कुछ कदम कदम पर नई चुनौतियाँ चैलेंजेस का सामना करना होता है। यदि एंटरप्रेन्योर के अंदर जोखिम लेने की क्षमता नहीं है, रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं है, तो उसका नया आइडिया कभी भी फेल हो सकता है। सेकंड है इनोवेशन एबिलिटी। इनोवेशन एबिलिटी को हिंदी में कहा जाता है नवाचार की योग्यता, कुछ नया करना। किसी भी प्रोडक्ट या किसी सर्विस में कुछ नया करके उसे और अच्छा, सरल और यूजफुल बनाना ही इनोवेशन कहलाता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी योग्यता हो जिसमें वह किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस में मौजूद किसी कमी को खोज सके और उस कमी को सही कर नए रूप में ला सके या उसे नई टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड कर सके, तो ऐसा व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनने की योग्यता रखता है, एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। आप भी अपने आसपास कुछ ऐसा खोजिए जिससे आप इनोवेशन को खोज सकें। ऐसा करना ज़्यादा कठिन नहीं है, इसमें आपकी योग्यता है, आप सोचना तो शुरू कीजिए। एबिलिटी ऑफ फ्यूचर विजन भविष्य की दृष्टि की योग्यता, कहने का मतलब फ्यूचर। किसी एंटरप्रेन्योर की एक बहुत बड़ी योग्यता फ्यूचर विजन का होना है। बहुत से लोग किसी ऐसे प्रोडक्ट पर कार्य करते हैं जिसमें बनने वाले प्रोडक्ट या जिसमें दी जाने वाली सर्विस की निकट भविष्य में लोगों को ज़रूरत होने वाली है। ऐसा करना कोई जादू नहीं है, बल्कि कोई भी व्यक्ति वर्तमान का एनालिसिस करे तो ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट का पता लगा सकता है और उस वर्क को करके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। नंबर 4 है लीडरशिप एबिलिटी अर्थात लीडर बनने की योग्यता। कोई भी व्यक्ति अकेला एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट नहीं हो सकता। किसी नए आइडिया को प्रोडक्ट या सर्विस में बदल कर उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए एंटरप्रेन्योर को बहुत से लोगों अर्थात टीम की सहायता की जरूरत पड़ती है। कोई एंटरप्रेन्योर अपने लीडरशिप की योग्यता की वजह से ही एक अच्छी और रिजल्ट देने वाली टीम तैयार कर सकता है। लीडरशिप एबिलिटी कुछ लोगों में जन्म से होती है, यदि नहीं होती है तो उसे डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ क्विकली रिकवर, कहने का मतलब जल्दी से रिकवर होने की योग्यता। एंटरप्रेन्योरशिप में जगह जगह पर चुनौतियाँ आती है, एक एंटरप्रेन्योर को इस चुनौतियों का सामना करना आना चाहिए। कई बार कई समस्याएं एक साथ आ जाती है या कोई बड़ी समस्या आ जाती है। एक सफल उद्यमी की योग्यता यह होती है कि वह इन समस्याओं से जल्दी रिकवर कर लेता है,
आपके द्वारा दिए जा रहे प्रोडक्ट या सर्विस के अप या डाउन को आप जितनी जल्दी रिकवर कर लेंगे, आप उतने ही अच्छे एंटरप्रेन्योर कहे जाएंगे और अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ राइट डिसीजन एट राइट टाइम, सही समय पर सही निर्णय लेने की योग्यता। उद्यमिता का एक लक्षण करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर का यह भी होता है कि सही समय पर सही निर्णय लिया जाए। यदि आप कोई सर्विस देने जा रहे हैं तब आपको पता होना चाहिए कि सर्विस कब से दी जाए और कहां दी जाए और उस सर्विस को कौन कौन लोग ले सकते हैं। आपका प्रत्येक सही निर्णय जो राइट डिसीजन है आपकी सफलता को एक कदम आगे बढ़ा देगा और आपका एक गलत निर्णय आपको एक कदम पीछे कर देगा। जो भी निर्णय लें, जो भी डिसीजन लें, वो बिल्कुल सही हो, राइट हो और उसको राइट टाइम पे लिया जाए। जब उसकी ज़रूरत हो तो आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ मनी मैनेजमेंट, पैसों को मैनेज करने की योग्यता, मनी को मैनेज करने की योग्यता। जो ये करेक्टरिस्टिक्स में मनी मैनेजमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण योग्यता होती है। एक एंटरप्रेन्योर कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस देकर लोगों की मदद करता है और बदले में प्रॉफिट लेता है। एंटरप्रेन्योरशिप में मनी का मैनेजमेंट करना अर्थात कितना मनी इन्वेस्ट करना होना है या कितना मनी एक्सपेंडिचर होना है या कितना प्रॉफिट हो रहा है, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, रिवेन्यू कब और कितना बढ़ाना चाहिए आदि का एक परफेक्ट बजट बनाना ही एक सफल एंटरप्रेन्योर की पहचान है। नेक्स्ट पॉइंट है सेलिंग स्किल, बेचने की योग्यता। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अपने बनाए गए प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना बहुत अच्छी तरह जानता है। यदि आप कोई सर्विस देने जा रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी सर्विस को लेने वाले लोग कौन हो सकते हैं और कहां मिलेंगे। लेकिन साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि उन लोगों को आप अपनी सर्विस कैसे बेचेंगे। एक सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को उन लोगों को बेचता है जिन्हें उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन एक सफल एंटरप्रेन्योर वह होता है जो अपने प्रोडक्ट को ज़रूरत वाले लोगों के साथ साथ उन लोगों को भी बेच देता है जिन्हें उनकी ज़रूरत नहीं होती या उस समय ज़रूरत नहीं होती। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स में उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए लोगों के अंदर ज़रूरत का मतलब नीड पैदा करने की योग्यता होती है। नेक्स्ट रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, परिणाम देने वाले कार्य। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर केवल यह नहीं देखता कि कार्य कैसे होना है बल्कि वह कार्य के साथ साथ उससे मिलने वाले रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस करता है। अच्छे रिजल्ट पर फोकस होने से वह उन सभी सही कार्यों और एक्टिविटीज़ को कर पाता है जो अच्छे परिणाम देते हैं। वैसे भी कार्य से ज़्यादा रिजल्ट अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। एक सफल उद्यमी की योग्यता वर्किंग टीम को भी रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ करने की प्रेरणा देता है और उन्हें समय समय पर चेक भी करता है। लास्ट है सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, स्वयं प्रेरित व्यक्ति। एंटरप्रेन्योर एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होता है। उसे बाहर के किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती बल्कि उसके गोल्स, उसका जुनून, उसकी विल पावर में इतनी ताकत होती है कि ज़रूरत होने पर वह खुद को स्वयं ही प्रेरित कर लेता है। वह सेल्फ मोटिवेटेड होता है और इसी वजह से वह अपनी टीम को मोटिवेटेड कर पाता है। ऐसा व्यक्ति कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में सफलता हासिल कर सकता है। यदि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो सेल्फ मोटिवेटेड होना सीख लीजिए। थैंक यू टू ऑल। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।